दोस्तों, आज हम उसकी कहानी बताने वाले हैं जो है एक जो है उसका पापा जो घर में रहता है, उसका बच्चा भी था जो बहुत ही पहले से ही 99 में बीमार था, और वो फिर उसने अपनी मम्मी को देखा कि मम्मी मर गई क्योंकि उसके घर में भूत आ गया था। फिर उसने अपनी मम्मी को उठाया, फिर मम्मी भी उसकी भूत बन गई। फिर वो अपने बेटे को खाने जा रही थी, फिर रास्ते में उसको अपना पापा दिखाई दिया जो बहुत ही डरावना सपना था उसका। फिर वो उठा, उसने कहा ये तो बहुत ही बुरा सपना था, इतना डरावना सपना। फिर उसने पापा को कहा, पापा मेरे चीज लेके दो। पापा ने नहीं सुना के पापा क्योंकि बहुत ही बुरे थे, क्योंकि उसके पापा बहुत ही गरीब थे, उसके पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए वो अब नहीं जा सकते। उसके पास अच्छे अच्छे कपड़े भी नहीं थे, वो ऐसे ही गंदा घर था, उसका चेहरा भी बहुत गंदा था, और उसके पास सुंदर सुंदर मेकअप भी नहीं थे, उसके पास सुंदर सुंदर कपड़े भी नहीं थे सोने सोने वाले। हाँ, इसलिए वो उधर ही वो बैठ के रोने शुरू हो गया। फिर उसके पापा फिर लेकिन उसका बेटा तो अब अमीर हो गया। फिर उसकी मम्मी भी ठीक हो गई, फिर बेटा भी ठीक हो गया, फिर वो दोनों अमीर भी हो गए। उसका बेटा भी अमीर हो गया, जैसे उसका पापा गरीब था ना, वो अब गरीब है क्योंकि उसने मेहनत बिल्कुल भी नहीं की थी। ये वो कह रहा था मैं नहीं मेहनत करूंगा, मैं बिल्कुल भी मेहनत नहीं करूंगा, मुझे कोई करने के टाइम नहीं है, मुझे नहीं जरूर करना। फिर वो उसके पापा इसलिए रो रहे थे। फिर वो उसका बेटा उसकी मम्मी ठीक भी हो गई, फिर वो आइंदा से बिल्कुल भी गुड नहीं बनेगी। फिर वो अपने बेटे को भी अमीर बना दी, क्योंकि वो तो सिर्फ उसके किया था क्योंकि वो तो इतनी अमीर थी, क्योंकि उसने अल्लाह की बात किया था ना, इसलिए अल्लाह ने उसको अमीर करा दिया उसको, और पापा को नहीं, क्योंकि पापा उसके बहुत ही शरारती हुए क्योंकि उसने ने बेटे को नई चीज खिलाया था, इसलिए वो अपनी मम्मी वो अपने लिए लेके आया था। फिर उसने बेटे को कहा आई लव यू बेटे, मैं अब कभी भी नहीं लौट के आऊंगा, मैं अब जा रहा हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।